फूड फॉर मूड में आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही रसीले एकदम टेस्टी मोतीचूर के लड्डू। आप इसे बिना झारा के, बिना बेसन के और बिना बूंदी बनाए एकदम आसान स्टेप्स में बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप चने के दाल को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लिया था। आप चाहे तो ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं। और इस तरह से हम हाथों से तोड़कर देखेंगे, इसका मतलब ये अच्छे से हो चुका है। अब हम इसे जार में डालकर मिक्सी में बिल्कुल दरदरा पीस लेंगे। हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है और पानी तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। आपको अभी लग रहा होगा कि चने की दाल के लड्डू कैसे लगेंगे, लेकिन यकीन मानिए कोई भी नहीं कह सकेगा इसको खाने के बाद कि ये मार्केट वाले नहीं हैं। बिल्कुल उसी तरह से रसीले और बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये लड्डू। चने की दाल को हमने बिल्कुल दरदरा पीस लिया है, अब हम इसे एक बोल में निकाल ले रहे हैं। अब हम इसमें से छोटा सा हिस्सा लेकर इसके वड़े बना लेंगे। वड़े जैसे हम चने के वड़े बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं, बस हमें थोड़ा इसको पतला रखना है। ठीक इसी तरह से मैं बाकी के भी वड़े बनाकर रख ले रही हूँ। और इसमें जो साबुत दाल दिखाई दे रही है वो आगे के प्रोसेस में वो भी ठीक हो जाएगी, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब एक कढ़ाई में हमें घी गर्म करना है। मैंने यहाँ घी का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिठाइयाँ तो वैसे घी में ही अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने घी का इस्तेमाल किया है। अब एक एक करके हम अपने वड़े इसमें डालते जाएंगे। गैस को हमें मीडियम लो रखना है, और जब हल्का सा ब्राउन हो जाए, यानी कि हल्का सा गोल्डन कलर आने लगे, तो हम उसे पलट देंगे। अब दोनों तरफ जब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। इसे मैं प्लेट में निकाल कर रख ले रही हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, और तब तक मैं बाकी के वड़े भी तल ले रही हूँ। ये देखिए हमारे वड़े हल्के ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से तोड़ लेंगे। सारे वड़ों को मैंने इसी तरह से तोड़ लिया है, और अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डालकर वापस से दरदरा पीस लेंगे। मिक्सी को बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 बार बिल्कुल हल्का ही चलाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब हम इसे प्लेट में निकाल कर साइड में रख लेते हैं, और तब तक हम हमारी चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चीनी। जिस कप से हमने चने की दाल को मेजर किया था उसी कप से हम चीनी भी लेंगे, और उसी कप से हम 1/2 कप पानी डालेंगे। मतलब 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी, बस इतना ही डालना है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमें जो चाशनी बनानी है वो बहुत गाढ़ी नहीं बनानी है, बस एक तार से भी कम गाढ़ी हो, बस हल्की सी चिपचिपी हो जाए, बस उतनी ही। यहाँ मैंने डाला है थोड़ी सी इलायची का पाउडर और चुटकी भर कलर, फूड कलर ऑरेंज, जिससे कि एकदम मार्केट वाला कलर आ जाएगा। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं, हमारी चाशनी तैयार है। ये देखिए बिल्कुल चिपक रही है, यानी हमारी चाशनी तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बिल्कुल नींबू का रस, जिससे कि जो हमारी चीनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी, वो जो सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है ना, वो हमारी चीनी नहीं होगी। बस इसे एक बार अच्छे से चलाकर हम गैस को बंद कर लेंगे, और बंद गैस में ही जो दाल का पाउडर है वो हम इसमें डाल लेंगे। इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे, और फिर हम गैस को ऑन करके इसे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 1 मिनट के लिए हमें इसे गैस ऑन करके मिक्स करना है, और फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। ये अभी थोड़ी गीली दिखाई दे रही है, लेकिन आप जैसे ही इसे ढक कर रखेंगे तो 15 से 20 मिनट के बाद ये सब आपस में फूल जाएंगे। 20 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। और यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से मगज के बीज। आप अपनी चॉइस के किसी भी ड्राई फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें से थोड़ा सा हिस्सा लेकर मैं इसके लड्डू बनाऊंगी। देखिए ये लड्डू कितने अच्छे से बंध रहे हैं, और इसी तरह से मैं सारे लड्डुओं को बनाकर रख लूंगी। तो बस हमारे रसीले एकदम टेस्टी लड्डू बनकर तैयार है मोतीचूर के। बस आप भी इसे बनाइए और इसके मज़े लीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।